जिले के गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिवनी कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मीडिया प्रभारी तौफीक खान ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पूर्व उपरोड़ ब्लॉक में दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा 10 फरवरी को लगाई गई थी, जिसे 17 फरवरी की रात में अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया, जिससे सभी आदिवासी समाज में जमकर आक्रोश है, जिसके चलते मंगलवार को शिवनी में गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया और दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। इस मौके पर धनोरा क्षेत्र के भी गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में इस ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की है। छपारा से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट। श्रद्धेय दादा हीरा सिंह मरकाम जी की मूर्ति स्थापित कर उनके प्रति आस्था समर्पित कर रहे हैं और इसी क्रम पर छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत दुरसिया जिला कोरबा में सामाजिक और राजनीतिक अनुयायी के द्वारा परम श्रद्धेय दादा मरकाम जी की मूर्ति को 10 फरवरी 2022 को विधि विधान सामाजिक रूढ़ी प्रथा परंपरा अनुसार स्थापित किया गया था, जिसे अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा दुर्भावना पूर्वक दिनांक 17 फरवरी 2022 को खंडित कर दिया गया है। इस तरह अलग किया गया है कि जो अपमान सीधे समाज एवं देश के उनके प्रति श्रद्धा रखने वालों को सीधा ठेस पहुंचा है, उसे देखने मात्र से गोंडवाना समाज में जनाक्रोश, अपने सीमाओं में जिस तरीके से उन्होंने तोड़ मरोड़ किया हुआ है बेहद दर्दनाक है। उपरोक्त घटना एक सोची समझी साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से कराया गया है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट करने के बावजूद भी संबंधित जिला प्रशासन पूर्वा निष्क्रियता है, यह हमारे समझ से परे है। उक्त साजिश घटना के बाद गोंडवाना विभाग के समस्त मूल निवासी वर्ग बुद्धिजीवी लोगों और दादा मरकाम जी के अनुयायी में व्यापक रोष और स्थिति काफी विस्फोटक बेकाबू आंदोलन होने की संभावना है। उपरोक्त साजिश घटना का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी घोर निंदा करती है, क्योंकि इस घटनाक्रम में दो वर्गों को लड़ाने एवं समाज में अशांति फैलाने का साथ सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं को भड़काने का षड्यंत्र स्पष्ट नजर आ रहा है। अतः महामहिम जी से आग्रह निवेदन, उक्त मामले में 5वें अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण एक संरक्षक की हैसियत से राष्ट्रपति महोदय शासन प्रशासन को कार्यवाही के लिए आदेश करने की कृपा करें। साथ ही भारतीय दंड विधान के धारा 295 का धार्मिक भावनाओं में ठेस पहुंचाने, धारा 153 का धर्म और मूलवंश के विरुद्ध अपराध, धारा 124 का राजद्रोह एवं 427 लोक संपत्ति को क्षति, धारा 288 निर्माण गिराने संबंधित अपराधों के तहत दोषियों पे और भी संबंधित जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। हम प्रतिनिधि के साथ केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़, कलेक्टर महोदय जिला कोरबा, पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश को भी सूचित कर रहे हैं। हमारी यह मांग है महोदय कि यह कार्रवाई में कवरिंग लेटर लगा के जिला कलेक्टर महोदय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।